तो आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, यानी कि हम किसी के भी गाड़ी नंबर से उसका नाम पता कर सकते हैं। यानी कि कोई भी हमें क्या कहता है ठोक के, मतलब कहीं बीच रास्ते पे चला जाता है और क्या होता है कि हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो गाड़ी नंबर की आप फ़ोटो निकाल लो और उससे आप नाम पता कर सकते हो। अब देखो उसके लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है RTO। ये जो आपको एप्लीकेशन दिख रहा है ये लोगो, बस इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे लैंग्वेज आपको इंग्लिश हिंदी जो आपको आता है वो आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद सर्च बाय सिटी, सिटी सर्च करने को कह रहा है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। डाल्टनगंज झारखंड मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना एरिया सिटी। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस में क्या करना है। क्या करो कि सबसे जो फर्स्ट में आपको RC डिटेल्स दिख रहा है इस पे आपको आकर के अपना गड्डी नंबर यानी कि अपना गाड़ी नंबर को डाल देना है, और जिसका भी आपको चेक करना है, या फिर यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन दिया जाता है, इस कैमरे पे क्लिक करके किसी का भी गाड़ी नंबर को स्कैन कर लो। मैं यहाँ पे बस नंबर डालने वाला हूँ जो यहाँ इस प्रकार से है, यू ऐड आएगा तो ऐड को कट कर देना है। तो हमारी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिटेल्स जो है आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी आप देख सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इंश्योरेंस वैलिड अप टू डेट, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हो। ऑनर का नाम यहाँ पे देख सकते हो, ऑनर के पिता का नाम, और भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, फाइनेंसी रजिस्ट्रेशन, ये कहाँ सोनभद्र से गाड़ी ख़रीदा हुआ है। यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चेसिस नंबर और इंजन नंबर के कुछ डिटेल्स मिल जाते हैं। बस इतना सारा इन्फॉर्मेशन अभी काफ़ी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कब रजिस्ट्रेशन हुआ, क्या एज है, तो वैसे इस तरह से किसी का भी डिटेल्स जो है ना आप चेक कर सकते हो कि गाड़ी भी कौन सी कंपनी की है। स्प्लेंडर प्लस यहाँ पे दिख सकता है मॉडल और मेकर हीरो होंडा। इस तरह से किसी भी गाड़ी नंबर से उसका नाम पता कर सकते हो ईजिली। तो अगर यह इन्फॉर्मेशन थोड़ा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक के साथ। और आज का ये जो टॉपिक है थोड़ा मैंने मेरे पास टाइम बहुत कम था इसलिए मैंने बस इस टॉपिक पे बनाया, अगला टॉपिक कुछ और रहेगा।